दोस्तों, आज का दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस की महामारी के इस दौर को छोड़ दिया जाए तो हमारे आसपास कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदगी भर अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। असल में हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो लोग तंबाकू का सेवन किया करते हैं। पूरी दुनिया में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तंबाकू के खतरनाक प्रभावों से लोगों को परिचित कराने और इसके सेवन से लोगों को रोकने के लिए प्रेरित करने के लिए की गई। इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020 युवाओं को ध्यान में रखकर मनाया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी खुद को अप टू डेट दिखाने के लिए और खुद को प्रगतिशील दिखाने के लिए बिंदास सिगरेट और अन्य तंबाकू से बने उत्पादों का उपयोग करती है। जो युवक इनका उपयोग नहीं करता है उनकी गिनती मूर्खों में की जाती है। दोस्तों, मैं भी इसी तरह के मूर्खों में हूँ जो तंबाकू और सिगरेट का सेवन करने से कोसों दूर रहता हूँ और अपने दोस्तों को भी इससे दूर रहने की सलाह देता हूँ। तंबाकू में जो निकोटीन होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ, दिल और फेफड़ों के रोग ऐसे लोगों को कहीं का नहीं रखते और एक दिन ऐसा आता है जब इनकी जिंदगी भी सिगरेट और हुक्के के धुएं की तरह धुआं हो जाती है और परिवार यतीम हो जाता है। पता नहीं सिगरेट पीकर मिलता क्या है लोगों को, पता है आपको? अगर आपने तंबाकू के खेत कभी देखे हो तो उन खेतों के चारों तरफ कभी बाड़ नहीं लगाई जाती जैसा कि अन्य फसलों के साथ किया जाता है। दोस्तों, तंबाकू की फसल को किसी भी जानवर या पशु से खतरा नहीं होता है क्योंकि उसे कोई खाता ही नहीं, सिर्फ इंसान ही है जो तंबाकू खाता है। गधे भी तंबाकू के खेत को नहीं चरते। अब ये उन फॉरवर्ड लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें किसी से प्रेरणा लेनी है, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव कहने वालों से या गधे से जो कभी तंबाकू नहीं खाता, क्योंकि शायद उसे भी इससे होने वाले नुकसान का आभास है। हर साल दुनिया में तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में लाखों लोगों की जान जाती है। कुछ लोगों को तो बुढ़ापा छू भी नहीं सकता क्योंकि वह भरी जवानी में ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी बातों पर आपको हंसी तो जरूर आ रही है, लेकिन मैं ये आपको सचेत करने के लिए बोल रहा हूँ। तंबाकू ऐसा जहर है जो धीरे धीरे शरीर को खोखला करता है और अंत में मनुष्य की आत्मा को परमात्मा के पास भेज देता है। तंबाकू ना कहिए, सिगरेट को ना कहिए और जिंदगी को हाँ कहिए। तंबाकू के चक्कर को छोड़िए, स्वस्थ और मस्त जीवन बिताइए।